हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्कोप। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन है क्या? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इक्वेशन इक्वेशन इसका मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म में हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टेट्स, मोल्स एट्सेट्रा। दैट इज, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसको एक कंसाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करते हैं। कंसाइज्ड मतलब जितना शॉर्ट हो सके उतना अच्छा। कंसाइज्ड वे यानी एकदम शॉर्ट फॉर्म में बट स्टैंडर्ड वे में, है ना। तो केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियाज, दैट इज द सिंबल, उसके फॉर्मूलाज के थ्रू, उसके स्टेट्स के थ्रू और उसके मोल्स के थ्रू। और हर एक चीज का एक अलग आइडेंटिफिकेशन होगा इसमें, उसको भी जानेंगे कैसे क्या होगा। जैसे आप सिंपल सा इक्वेशन देखिए, कार्बन प्लस ओ टू, ये हम जब जलाते हैं लकड़ी को जलाए, तो जब हमने इसे जलाया, सी प्लस ओ टू बना सी ओ टू, ये इसका केमिकल इक्वेशन का फॉर्म है। और जब हम इसको वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर एरो है, इसको देखते हैं कैसे। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या क्या स्टेप्स हैं इसको देखते हैं। पहला स्टेप है, राइट द सिंबल्स और द फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द LHS, प्लस साइन बिटवीन देम। अब जो सिंबल्स है या फॉर्मूले है रिएक्टेंट्स के, दैट इज ऑन द LHS, इसको आप पहले लिखिए। और अगर एक से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज़्यादा सिंबल या फॉर्मूले है, तो हम बीच में प्लस साइन डालेंगे। और नेक्स्ट है, राइट द सिंबल्स और द फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द RHS, प्लस साइन बिटवीन देम एज इट इज। जैसे ये प्रोडक्ट बना ऑन द RHS, अगर इसके साथ अगर कुछ और बन रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, ठीक है। तीसरा है, पुट द एरो साइन इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो साइन दिखाएंगे। एरो का मतलब क्या है? रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, हो रहा है। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में ही रिप्रेजेंट करना है। क्यों? बिकॉज द एटॉमिक फॉर्म्स आर यूजुअली नाइदर स्टेबल नॉर कैपेबल ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस। चूंकि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर स्टेट में जो भी मेरे एटम्स हैं वो स्टेबल हैं, और जब वो एटॉमिक स्टेट में है यानी फ्री स्टेट में है, तो वो स्टेबल नहीं है। तो हम इक्वेशन में उनके स्टेबल फॉर्म को ही शो करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसके बारे में कुछ और देखेंगे। अगर एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि H2 प्लस O2 बिकम्स H2O, ठीक है। तो इसमें भी रिएक्शन हो रहा है, सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहा है। तो अब इसमें केमिकल रिएक्शन में भी बहुत सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकते हैं, कभी एक होगा कभी दो होगा, उनका बारी बारी से हम एग्जांपल अभी देखेंगे वन बाय वन। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं कुछ रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वेरी करेंगे। बहुत ज़रूरी है और बहुत ईजी भी है। सबसे पहला इसमें पार्ट है कि वन रिएक्टेंट एंड टू और मोर प्रोडक्ट। वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना बोला, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट। तो जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट कराया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। लीड नाइट्रेट को हमने रिएक्ट कराया, रिएक्शन किया हमने उसका, तो ये लीड ऑक्साइड NO2 और O2 साथ में हमने इसे बैलेंस किया है। अब बैलेंस क्यों कर रहे हैं इस तरह से, इसके बारे में अभी हम कुछ देर के बाद सब कुछ अच्छे से जानेंगे। इसके जस्ट बाद
टू रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहाँ अगर इसको आप शॉर्ट में लिखें कुछ इस तरह से, टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना बना, वन प्रोडक्ट बना। तो इसका कुछ एग्जांपल, जैसे अमोनिया के साथ HCl हो गया तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराया तो अमोनिया गैस बना। दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट। तो AgNO3 के साथ जब NaCl रिएक्ट कराया तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड कराया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट डेट इज। और फिर दो रिएक्टेंट और तीन से ज़्यादा प्रोडक्ट, दो या तीन से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो दो रिएक्टेंट और मेरा प्रोडक्ट बना थ्री या उससे ज़्यादा। तो कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी सल्फ्यूरिक। नेक्स्ट है दो रिएक्टेंट और तीन या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट, तो कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट और वाटर और SO2 गैस। नेक्स्ट है KMnO4 के साथ 16 HCl, तो ये KCl, MnCl2, HCl2 और 5Cl2। हमने यहाँ पर सबको प्रॉपर में बैलेंस किया है। अभी जानेंगे हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, उसके पहले क्यों करते हैं ये, आइए देखते हैं कुछ और कुछ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, फिर जस्ट बैलेंसिंग जानेंगे। आइए अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन, सॉरी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला अबाउट द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज, इसका मतलब जो मेरा चेंज हुआ, जो मेरा केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो मेरा रिएक्शन होने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया या प्रोडक्ट आया, उसके बारे में हमको ये पूरी जानकारी देता है। दूसरा, अबाउट द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, जो जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और क्या प्रोडक्ट बना, उसके बारे में ये पूरी जानकारी देता है। नेक्स्ट है अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हर एक सब्सटेंस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स या नंबर हिस्सा ले रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। जैसे ए प्लस टू बी बिकम्स ए बी टू, तो यहाँ पर ये वन है, ये बी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स दो है, यहाँ ए फिर से वन है और बी यहाँ दो है। तो इससे क्लियर हो पा रहा है कि रिएक्टेंट साइड में किसका कितना नंबर है, प्रोडक्ट साइड में बनने के बाद किसका कितना नंबर हो रहा है। नेक्स्ट है अबाउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, मॉलिकुलर मास के बारे में बताता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने कितने मॉलिकुलर मास है। इसमें जब हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से हम जानेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मास बराबर होता है, ये इसके जस्ट बाद भी हम जानेंगे। तो सिंपल से एग्जांपल है जो पहले से बैलेंस्ड है या जिसको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है कि C+O2 बिकम CO2, तो सी का 12 U है, U it means atomic mass unit, इसका 16×2 हो गया 32 U, becomes 44 U carbon dioxide, इधर भी अगर आप जोड़ेंगे तो 44 हो रहा है, इधर भी 44, इसका मतलब molecular mass of the reactant product side हमेशा equal होगा। यही मेरा क्या बताता है, law of conservation of mass, that's why due to law of conservation of mass it states that energy of the universe is constant, mass of the universe is constant, it can neither be created nor be destroyed, it can change its form, तो हम ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं, हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उसमें हमेशा दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में मेरा मास इक्वल होगा, और इक्वल करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट है टेल्स अस अबाउट द स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दे आर आइदर सॉलिड लिक्विड और गैस, जैसे ए प्लस बी बिकम सी प्लस डी, तो ए के नीचे अगर एस है ये एल हो गया, ये ए क्यू है और ये गैस है, गैस के लिए जी, तो इसका स्टेट यहाँ पर सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है यानी पानी मिला हुआ उसमें, और लिक्विड के ही बराबर हुआ, और जी फॉर गैसियस यानी वो गैस में बदल गया है। टेल्स इज अबाउट हीट सप्लाइड और प्रोड्यूस्ड, गैस रिलीज और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ये दो रिएक्शन जैसे हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी बिकम्स ए बी, यहाँ ट्रायंगल साइन है,
तो यहाँ पर ये बता रहा है इस रिएक्शन में हीट सप्लाइड, यहाँ हमने हीट सप्लाई किया तभी हमने एरो पर दिखाया तो मेरा ये रिएक्शन हो पाया, तो प्रोडक्ट बना मेरा ए बी। यहाँ नेक्स्ट है ए प्लस बी बिकम्स ए बी प्लस ट्रायंगल, इसका मतलब ये रिएक्शन होने के बाद ये हीट रिलीज हो रहा है, दोनों में अंतर है। इस ट्रायंगल का मतलब यहाँ हमने हीट सप्लाई किया उस रिएक्शन को होने के लिए और यहाँ पर ये रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है ए प्लस बी बिकम्स ए बी एंड एरो हमने दिया ऊपर की ओर, इसका मतलब ए बी जो है यहाँ पर गैस है और जो उड़ गया। ये ए प्लस बी बिकम्स ए बी एंड प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड, वो नीचे जम गया, नीचे ग्लास में हो या किसी भी आप बीकर में ले रहे हैं तो वो नीचे जम गया। तो इससे क्लियर है हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है ड्यूरिंग ए केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन के थ्रू। एंड ये बताता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, जिससे हम कंसाइज्ड वे में हर एक इन्फॉर्मेशन को छोटे से जगह पर लिख सकें, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें। अब हम जानेंगे कि वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, वाई वी बैलेंस्ड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर उसके थोड़ा बैलेंसिंग जानेंगे और उसके तरीके भी जानेंगे, आइए देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का जनरली दो टाइप है, इक्वेशन रिएक्शन तो और भी बहुत हैं, यहाँ हम इक्वेशन के बारे में बोल रहे हैं, स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन क्या है, जैसे आपको पता है स्केलेटन ढांचा एक क्या है कैसे है उतना नहीं पता, बस एक ढांचा रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्केलेटन में रिप्रेजेंट केमिकल चेंज बट इट इज़ अनबैलेंस्ड, ये केमिकल चेंज को दिखाता है बट ये अनबैलेंस्ड है। जैसे कि KNO3 बना KNO2 प्लस O2, तो यहाँ पर इस साइड में देखिए रिएक्टेंट साइड में K एक है, N का नंबर 1 है और ऑक्सीजन एटम 3 है, इधर भी K1 है N1 है बट ऑक्सीजन 4 है, ये दोनों अनबैलेंस्ड है, कम ज़्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज मास ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय मास। तो आखिर ये एक बढ़ घट कैसे गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान हम मास को क्रिएट कर रहे हैं, मास को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मेरा जो तरीका है दिखाने का ये गलत है और ये तरीका मेरा सही है। और ये तरीका किसके अंदर आ रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। इट इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड इट इज अ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट आर इक्वल, इसका मतलब जितना रिएक्टेंट के साइड होगा उतना प्रोडक्ट के साइड भी होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बना कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब जब गैस बना तो आप कहेंगे कि ये बाहर निकलेगा, जरूर निकलेगा, ये निकल गया और साथ में हीट भी निकलता है ट्रिमेंडस अमाउंट। तो अब देखिए आप दोनों साइड, यहाँ कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इसका मतलब ये टोटली बैलेंस्ड है। यहाँ पर हमने इसे बैलेंस किया, इसी इक्वेशन को क्या किया हमने, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने दोनों को कंपेयर किया तो देखा कि K2N2O6, यहाँ भी K2N2O6 दोनों का नंबर। तो यहाँ इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फुलफिल्ड थ्रू दिस मेथड और इसलिए हमने इसे नाम दिया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड है, पार्शियल इक्वेशन मेथड है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा ईजी, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। इस चैप्टर के बाद हम और भी जो 3-4 मेथड जिसका नाम लिए उसको बारी बारी से पढ़ाएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। तो पहले अभी हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में जानते हैं और उससे हम लोग 4-5 इक्वेशन बैलेंस करेंगे और उसके बाद ये क्लास एंड हो जाएगा आज का। और कुछ होमवर्क ले लेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड आएगी। आइए अब हम देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग। 2 इक्वेशन लिखा है मैंने, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तरीका बता देते हैं बस कि वाटर H2O बना H2 प्लस O2,
बैलेंसिंग से पहले इधर देखिए आप 2-1 था, इधर 2-2 था, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, कम ज़्यादा है, तो इसको हमने बैलेंस किया, इधर 2 लगाया अपने मन से और इधर भी 2 लगाया, तो देखा हमने कि ये 4 और 2 हो गया, इधर भी 4-2 हो गया। नेक्स्ट है मीथेन प्लस क्लोराइड क्लोरीन गैस, और ये बना कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl। तो इधर देखिए पहले कार्बन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, और इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 ही है, क्लोरीन मेरा यहाँ 5 है, 4-1-5। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 1 है, तो हमने यहाँ हाइड्रोजन को 4 कर दिया, यहाँ पर हमें 4 लगा दिया, तो जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो क्लोरीन भी कितना हो गया, इधर 4 और 4 8 8 क्लोरीन। इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 होगा, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचता है हमारा कार्बन, कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ये बैलेंस्ड हो गया। तो ये 2 तरीका हुआ जिससे हम ये जान सकते हैं कि बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे करते हैं। तो आज के लिए ये क्लास यहीं ख़त्म होता है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जानेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, टाइम टेकिंग कम होगा, और चैप्टर ख़त्म होते ही हम कुछ और मेथड जानेंगे बैलेंसिंग के। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।